गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएसएन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत, उसका पहला पाठ मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। इसके आगे जो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने उस दिन समझाया था। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसके जो अभ्यास प्रश्न है उनको भी हम साथ के साथ करेंगे, तो सभी अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठेंगे, साथ ही अपनी पाठ्य पुस्तक भी खोल कर देखो। अधिकृत रिपोर्ट से क्या पता नहीं चलता, अर्थात उस समय जो अधिकृत रिपोर्ट थे उनसे इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, या जो विशाल भंडार होता है अधिकृत रिपोर्ट का, इसके बारे में बहुत कुछ हम जान सकते हैं। फिर भी इसमें जो कमी रह जाती है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सारे अधिकारी जो होते थे उनके जो सरकारी रिपोर्ट होते थे उनसे हमें उनके बारे में ही पता चलता था, अर्थात सरकारी अफसर जो होता था वह क्या सोचता है, उसकी रणनीति क्या है, उसकी रुचि किस में है, उसकी दिलचस्पी किस में है, साथ ही वह किन चीजों को आगे करना चाहता है, ये सारी बात हमें अधिकृत रिपोर्ट से पता चलती थी। पर जो आम नागरिक होता था, आम जनता जो होती थी, वह क्या चाहती है, आम नागरिक की दिलचस्पी किस में है, रुचि किस में है, वह क्या रणनीति तैयार करता है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था। अर्थात ये जो सारे स्रोत है इनको पढ़ना लिखना आना चाहिए, और साथ ही इनके द्वारा यह पता नहीं लगा सकते थे कि आदिवासी और किसान, अर्थात खदानों में काम करने वाले श्रमिक मजदूर और सड़कों पर रहने वाले और सड़कों पर ही अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्ति क्या सोचते हैं, उनकी रुचि किस में है, इसके बारे में आज तक भी पता नहीं चल सका है। तो इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कुछ न कुछ कमी हमें दिखाई देती है। इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं और यात्राओं के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके बाद जिनको पढ़कर हम उस व्यक्ति के बारे में उसकी रुचि किस में थी इसका हम पता लगा सकते हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्रों का जनता में प्रचलन होने लगा, अर्थात विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं अखबार आदि छपने लग गए थे। नेताओं और सुधारकों ने अपने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों उपन्यासकारों ने अपने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सिर्फ अपनी भावनाएं और उस समय की जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी उसके बारे में लिखा। तो इन अधिकृत रिपोर्ट से हम उस समय के जो व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे आम व्यक्ति जिनके बारे में वो लिखता नहीं, छापता नहीं है और उनका कहीं पर भी किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता है, तो ऐसे आम जनता के बारे में हम आज भी कुछ भी पता नहीं लगा सकते हैं। तो यह पाठ जो है कैसे, कब और कहां, यही पर पूर्ण होता है। इसके जो अभ्यास प्रश्न है मैं आपको करा रही हूँ, साथ ही साथ अपने नोटबुक में आप उनको करोगे। अभ्यास प्रश्न, इसमें पहला जो प्रश्न है उसमें सही और गलत का चिन्ह लगाना है, साथ ही कोष्ठक में सही है तो सही लिख दो आप और गलत है तो गलत लिख दो। तो पहला इसमें प्रश्न जो आ रहा है यह वाला, वो आपके सामने मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, साथ के साथ आप उसको करेंगे। जेम्स मिल ने, आप लिखोगे इसमें जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम अर्थात तीन कालखंडों में बांटा था। पहला इसमें आ जाएगा हिंदू, दूसरा आ जाएगा मुस्लिम और तीसरा इसमें आता है ईसाई। तीन काल खंडों में, तीन काल खंडों में बांट लिया था, तो इसमें जो कोष्ठक रहेगा तो उसमें आप लिखोगे सही, क्योंकि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को तीन कालखंडों में बांट दिया था, हिंदू मुस्लिम और ईसाई। यह आपके प्रश्न भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि सही और गलत वाला
अंग्रेजों से हमने ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था अंत वाला वही पैराग्राफ है से हमें ये समझने में से हमें ये समझने में मदद मिलती है साथ ही साथ आप लिखेंगे इसको मदद मिलती है कि आम लोग आम का सामान्य लोग सामान्य नागरिक जो होते हैं उनके बारे में कहा गया है क्या सोचते थे या क्या सोचते हैं इसके क्वेश्चन में क्या आएगा सभी को इसका उत्तर आ रहा होगा क्योंकि सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग नहीं आएगा यहाँ पर जो सरकारी अफसर होते हैं उनके बारे में मदद मिलती थी तो यह क्या हो जाएगा आपका गलत सभी करोगे फिर भय वाला जो है अंग्रेजों को लगता था कि अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह है शासन चलाने सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं यह भी आपको आ रहा होगा अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ लेसन तो इसमें आपके आएगा सही अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं आप जिससे हम परिचित है और महत्वपूर्ण होते हैं सर्वेक्षण इसमें सही और गलत वाले सिर्फ तीन ही प्रश्न थे आपके इसके आगे जो अभ्यास प्रश्न हैं वह मैं आपको करवा रही हूँ उनको भी आपको बोर्ड पर साथ के साथ करने हैं आइए विचार करें इसमें जो प्रश्न है दूसरे नंबर का प्रश्न इसको ले लेंगे क्योंकि पहले नंबर का जो प्रश्न था उसमें सही और गलत ही था तीसरे नंबर का जो प्रश्न है उसमें आप करोगे जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह अब तीन कालखंडों में बांटा था कौन कौन से हिंदू मुस्लिम और ईसाई तीनों के बारे में मैंने आपको बताया है तो वो तीनों चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं आगे आप लिखोगे कि इतिहास को जिस तरह है कालखंडों में जिस तरह है कालखंडों में बांटा है कभी कभी वो भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है उनके नाम लिखते हुए विस्तार से चर्चा की थी तो तीनों कालखंडों के नाम आपको याद होने चाहिए हिंदू मुस्लिम और ईसाई अब इसके अंतर्गत आगे पूछा गया है कि इसमें किस प्रकार की समस्याएं थी तो उन समस्याओं को हमें लिखना है तो वह मैं आपको बता रही हूँ उसमें क्या समस्याएं हैं उसमें क्या समस्याएं हैं तो यह आपको करना है इसमें तीन कालखंडों के नाम के बारे में नहीं पूछा गया है फिर भी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया तो इसमें जो समस्याएं थी उनके ऊपर अपने को लिखना है तो जो समस्याएं थी तीन प्रकार चार प्रकार की जो भी समस्याएं हैं आई है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ साथ के साथ आप उसको नोट करोगे समस्या अगर इसको इस तरीके से करना चाहो तो भी आप लिख सकते हो और अगर आप इसको निबंधात्मक क्वेश्चन अगर है तो उसको थोड़ा बड़ा करके उन तीन कालखंडों का थोड़ा सा बताकर तीनों का नाम लिखकर और उसके बाद में इसके आगे की समस्याएं लिख सकते हैं तो जो तीन कालखंड बांटे गए उसमें जो समस्याएं थी फिलहाल उसके बारे में लिखेंगे तो समस्याएं करके पहले जो समस्या आती है उसके बारे में आप लिखोगे साथ के साथ यह विभाजन अर्थात
तीन कालखंडों में बांटा गया था, इस विभाजन के बारे में लिख रहे हैं। तो यह विभाजन समुदाय का भारतीयों को अलग अलग लिखो क्या, इस विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डाला। अलग अलग पहचान देते हैं जिसके कारण क्या होता है, भारतीयों में आपस में क्या पड़ जाती, जाति के आधार पर फूट पड़ जाती। अगला जो प्रश्न है उसको आप नोट करोगे, तीसरे नंबर का प्रश्न डालोगे आप और उसको लिखोगे। प्रश्न नंबर तीन करके आप लिखोगे आपकी पाठ्य पुस्तक में, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा, इसका उत्तर आपके पाठ्यपुस्तक में दिया गया है किस प्रकार से। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे इसमें, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्न प्रकार से सुरक्षित रखा, ऐसा करके आगे जो मैं दिखा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको अपनी नोटबुक में करना है। अंग्रेजों को यह लगता था, कि तमाम उर्दू शब्द है अर्थात सभी तमाम दस्तावेजों और पत्रों को संभालकर रखना जरूरी है। अंग्रेजों को लगता था कि जितने भी दस्तावेज है उन सभी को क्या करना चाहिए, हमें संभाल कर रखना चाहिए। तो एक प्रकार से तो उन्होंने सारे दस्तावेजों की प्रतिलिपि तैयार कर दी थी अर्थात फोटोकॉपी करवा दी थी जिनको अलग अलग स्थानों पर रखवा दिया था। और इसके बाद उन्होंने अनेक कार्यालय बनवा दिए थे, अभिलेखागार बना दिए थे, संग्रहालय बना दिए गए थे, जाकर के देखा जाता था इनका जो भी सरकारी दस्तावेज होते थे उनको सुरक्षित रूप से वहां रखा जाता था। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय
सारे दफ्तर अलग अलग सुबह के लिए अलग अलग दफ्तर बनाए गए हैं। दफ्तर दफ्तर प्रांतीय सचिवालय कचहरी यह
इकट्ठे किए जाते हैं, इकट्ठी की जाती है या इकट्ठे की गई है। जानकारियों पर पूर्ण ध्यान रखा जाता है, पूर्ण ध्यान रखा जाता है। ये कौन सी जानकारियां होती है जो इतिहासकार होते हैं वह किसी क्षेत्र में जाते हैं, वहां के जो ग्रामीण होते हैं उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं, यह सटीक होती है, स्पष्ट होती है, सही होती है। इसके आगे आप देखोगे कि पुलिस की जो रिपोर्ट होती है उससे किस प्रकार से अलग है, तो उसके बारे में आप देखोगे। या तो इतिहासकार किस प्रकार से ग्रहण करते हैं उनके बारे में है, पुलिस की जो रिपोर्ट इससे किस प्रकार भिन्न होती है उसके बारे में आप देखोगे। इस तरह है अखबार घटनाओं पर या घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। यह इतिहास का मूल्य हो गई है। अब पुलिस की जो भिन्न होती है उसके बारे में देखो। पुलिस रिपोर्ट के पक्षपात के पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि पुलिस की जो रिपोर्ट होती है पक्षपातपूर्ण भी हो सकती है, पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है। अब क्यों होती है उसका कारण क्या है, मैं आपको लिखा रही हूँ भाई पक्षपातपूर्ण क्यों होती है पुलिस की जो रिपोर्ट होती है वह है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच और जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव तथा जांच अधिकारियों के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इतिहासकार पुराने अखबारों से भी जानकारी जुटाते हैं वह बिल्कुल सटीक होती है, स्पष्ट होती है, सही होती है, और जो पुलिस के द्वारा की गई रिपोर्ट होती है उसमें जो सरकार होती है उसकी सोच या वरिष्ठ अधिकारियों की सोच पर निर्भर करती है, साथ ही अधिकारियों के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है। तो अब हमारे दिन का जो पहला पार्ट है कब क्यों कैसे यही पर पूर्ण होता है, इसके अभ्यास प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। सभी बच्चों से कहूंगी इन अभ्यास प्रश्नों को आप अपनी गृह कार्य की जो कॉपी है उसमें अच्छी तरीके से उतार कर करेंगे, साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों को आप याद भी करेंगे। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो सर के नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे का जो लेसन है मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।